बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपकी मेज़बान हीना जो आपके लिए लेकर आई है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पाइसी इतना चटपटा सा मूली का पराठा, जिस तरह ये आप देख रहे हैं मूली का पराठा पिज़्ज़ा स्टाइल में। तो जिसके लिए हमने 1 मूली ली है जिस तरह ये आप देख रहे हैं, और इसे हमने बॉयल कर ली है अच्छे से जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये पत्तों वाली है मूली, ठीक है, पत्ते भी काटे हैं हमने। और ये हमने लिए है 2, हमने मोटी मिर्ची लिए है और कुछ हमने पुदीना क्रश कर लिया है, 1 लेमन हमने लिया है और 1 अदद हमने प्याज लिए है, 1 अदद हमने टमाटर गोल साइज़ में से काट लिए हैं। और ये हमने आटे के पेड़े 2 बना लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। हसबे मुताबिक हमने अजीना मोतो 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून हमने कुटी मिर्ची लिए हैं। तो चलिए आई गाइस, हम आपको बहुत ही स्पाइसी इतना चटपटा सा मूली का पराठा पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाना सिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ आप यूट्यूब पे ज्वाइन रहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इंशाल्लाह आज का पराठा पिज़्ज़ा आपको ज़रूर पसंद आने वाला है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आए गाइस, हम आपको मूली का पराठा पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाने सिखाते हैं, जिसके लिए हमने ये बोल लिया है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा, बहुत क्यूट सा, नन्ना नन्ना सा। और इसमें ही ऐड करेंगे हम ये मूली जो हमने इसे पका ली थी बॉयल की हुई जैसे, और इसमें ही ऐड करेंगे हम ये सारे मसाले जो हमने आपको बताए, ठीक है। और इस मिक्सर को हम हल कर लेंगे इस तरह हाथों से। तो चलिए गाइस, ये हमने मसाले जो ऐड किए थे, अब इसमें ही ऐड करेंगे हम प्याज, टमाटर, मिर्ची, पुदीना, ठीक है। और इसे आपको ऐसे नहीं कीजिएगा यूँ करके, बस ऐसे ऐसे करके से हिलाना है, ठीक है, कि आपके टमाटर प्याज दोनों ऐसे रहे। इसमें ही ऐड करेंगे हम नींबू, ये देखिए गाइस हमारा मिक्सचर रेडी है, इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको पराठा मूली वाला बनाना सिखाते हैं, सो सिंपल रेसिपी। देखिए गाइस, ये हमने दोनों रोटी बेल ली है अच्छे से जिस तरह ये आप देख रहे हैं, और इसमें ही ऐड करेंगे हम मिक्सचर। तो ये देखिए गाइस, हमने एक रोटी के ऊपर ये सारा मिक्सचर रेडी कर लिया है जिस तरह ये आप देख रहे हैं। पीस में ही लगाएंगे टमाटर, क्योंकि पिज़्ज़ा स्टाइल में हम बना रहे हैं तो आपको ऐसे नज़र आएगा, वो बहुत ही टेस्टी होगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए गाइस, हमारा पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। इस पर हमने प्याज पुदीना लगा दी है अच्छे से, ये डेकोरेशन बहुत प्यारी सी लग रही है। और ये हमने रोटी बेली भी नहीं थी, ये इसके ऊपर ही लगा देनी है हमें, बिछा देना है। ये देखिए गाइस, हमने अच्छे से गरम तवा करके इस पर हमने पराठा डाल दिया है। तो चलिए अब सबको सेकेंगे। ये देखिए गाइस, पराठा अब सीख रहा है हमारा मज़ेदार। इसे ना हल्की हल्की आंच पे सेकना है कि आपके जलेबी ना, उसके टेस्ट भी ख़राब ना हो। और ये भी हमारे पक्के पिज़्ज़ा पराठा मूली वाले रेडी हो जाएंगे। ये देखिए गाइस, एक साइड तो सेक लिया है हमने, आइए हमने बेक साइड इसको सेकेंगे अच्छे से, जिस तरह ये आप देख रहे हैं। और मज़ेदार पिज़्ज़ा पराठा हमारा रेडी होने को है, भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम सेकेंगे पराठे को घी ऐड करके। ये देखिए गाइस, मज़ेदार मूली का पिज़्ज़ा पराठा रेडी है माशाल्लाह से। सो यम्मी, इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार है, हम आपको बता नहीं सकते। जिस तरह ये आप देख रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, सनसनी मच गई, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लस्सी पराठा जिस तरह ये आप देख रहे हैं, मूली का पिज़्ज़ा स्टाइलिश पराठा। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये हमारी चटनी है जिससे हम इसको लगा के खाएंगे और बहुत ही मज़ा देगी। ये देखिए गाइस, इतना मस्सी का, इतना यमी, बहुत ही चटपटा सा है, आप भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारी। तो ये देखिए गाइस, आज की रेसिपी हमारी रेडी है, मूली का पिज़्ज़ा पराठा, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही चटपटा। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी हमारी, तो आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताएं कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी, मूली का पिज़्ज़ा स्टाइल पराठा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आए, तो आप भी इंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी खाने, हमारी कुकिंग प्यारी प्यारी से अगर पसंद आती है टिप्स हमारी, तो सो प्लीज़ हमारे चैनल हीना स्पेशल पकवान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल लाइक बटन को क्लिक करने ना भूलिए, कि मज़ीद आने वाली वीडियो आपको हमारी मिल सके। आज के लिए इतना ही, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।
टेक केयर, बाय बाय।